ओके स्टूडेंट्स, तो हमारी जो ये करंट सीरीज चल रही है, ये आयनिक इक्विलिब्रियम की सीरीज चल रही है। आप लोगों ने इसमें काफ़ी नॉलेज गेन कर लिया है अभी तक। आप लोगों को पता चल गया है कि हमने इलेक्ट्रोलाइट्स वर्ड यूज़ किया है इसमें, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोलाइट का मतलब था हमारा ऐसे सॉल्यूशंस जो कि वाटर में जब डाले जाते हैं तो वो क्या करते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं, है ना। ऐसे मतलब सब्सटेंसेज जो वाटर में जब डालते हैं तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, इनको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। आपको पता है इसमें से एक पॉजिटिव चार्ज बनता है और एक नेगेटिव चार्ज बनता है, जिसे कैटायन और एनायन कहते हैं। इसी एनालॉजी को आगे लेकर के हमने वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का कंसेप्ट समझा था, जिसमें कि हमने कहा था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कि बहुत ईजिली या फिर कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पार्शियली डिसोशिएट होते हैं। और उसी बेसिस में हमने वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस का कंसेप्ट भी समझा था। इसके अलावा एसिड और बेस की डेफिनेशंस हमने, मतलब तीन एक डेफिनेशंस हमने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी, जिसमें आपने देखा था कि जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो लुईस की एसिड और बेस की थ्योरी थी, जिसमें लुईस एसिड्स वो थे जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर का कमी थी, देवर डेफिशिएंट विद इलेक्ट्रॉन पेयर। और इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन रिच जो मॉइटीज थी, जो स्पीसीज थे, उनको हमने लुईस बेस कहा था। एग्जांपल देते हुए हमने पिरिडीन या फिर अमोनिया या फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग बहुत सारे कंपाउंड्स को हमने आपको बताया था कि ये बेसिक कैरेक्टर रखते हैं। और इसी तरीके से BF3, BeCl2, इस तरीके के कंपाउंड्स हमने आपको AlCl3 बोल सकते हैं, ये सब के सब जो थे एसिडिक कैरेक्टर या लुईस एसिड, इनको हमने कहा था। आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड्स देखे थे। इसके अलावा आप लोगों को सॉल्यूशंस की कुछ कैटेगरीज डिस्कस की गई थी। हमने आपको बताया था कि एक सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें कि सॉल्ट सॉल्यूशन जो होता है, जिसमें सॉल्यूट मॉलिक्यूल को सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में डिसॉल्व कराया जाता है, और वो डिसॉल्व होने का प्रोसेस क्या होता है, उस डिसॉल्व होने में सॉल्यूट मॉलिक्यूल जो होता है टूट करके डिसॉल्व होता है, मतलब आयनिक बॉन्ड तोड़ने के बाद, अपने आयंस में बनने के बाद डिसॉल्व होता है, तो ये एक सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। अब सॉल्यूशन किस चीज़ का है डिपेंड करता है, उससे उसकी पीएच कैलकुलेट की जाती है। तो पीएच के लिए हमने जो आपको इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स डिस्कस अभी तक किए हैं, वो पीएच के जो कंसेप्ट्स थे उसमें हमने एक तो एसिड एंड बेस की पीएच डिस्कस की थी, ठीक है बच्चों। एक हमने वीक एसिड एंड बेस की पीएच डिस्कस की थी, ठीक है। थर्ड केस हमने डिस्कस किया था सॉल्ट के सॉल्यूशन की, या फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, हाइड्रोलिसिस के बाद हमने पीएच डिस्कस की थी, और लास्टली हमने क्या किया, बफर्स की पीएच डिस्कस की, बफर सॉल्यूशन की पीएच। हमने ये चार पीएच जो है, चार डिफरेंट सॉल्यूशंस के लिए पीएच क्या की, कैलकुलेट की बच्चों। कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला आपको याद है, हमने कहा था कि एसिड और बेस जो कि कैसे हैं, इनको स्ट्रॉन्ग कहा गया है, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस जो है उनकी पीएच जो होगी, क्योंकि डायरेक्टली उनसे एच पॉजिटिव या ओएच नेगेटिव आयंस मिल जाएंगे हमें 100% अमाउंट में मिल जाएंगे, तो इसलिए उनके लिए जो पीएच निकालने का फॉर्मूला था वो कन्वेंशनल फॉर्मूला था, और उसको हमने पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कहा। ये हम पीएच निकाल सकते हैं अगर एसिड पता है हमें, और पीओएच निकाल सकते हैं अगर हमारे को हाइड्रोक्सिल आयन पता है, ठीक है जी। अगर हमारे को कोई बेस पता है तो बेस की कंसंट्रेशन अगर हमें पता है या बेस में हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन हमें पता है, तो यहाँ से मैं पहले पीओएच निकाल सकता हूँ, और फिर आपको पता है पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू 14 वाला जो फॉर्मूला आपको बताया गया उस पर अप्लाई करके उस पीओएच से पीएच भी निकाल सकता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि पीएच या फिर पीओएच की एसिड या बेस की पीएच कितनी है, या फिर पीओएच कितनी है, और इस तरीके से आप लोग उस स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की पीएच को कैलकुलेट कर पाएंगे। ये आपने यहाँ पे सीखा था। आपको पता है कि 7 की पीएच से नीचे जो भी होंगे, लेस देन 7 जो भी होंगे वो एसिडिक होंगे, और जो उससे मोर देन होंगे वो आपको पता है वो बेसिक सॉल्यूशंस होंगे। ये आप लोगों ने बहुत प्रीलिमिनरी लेवल पे ही समझ लिया था। इसके बाद हमने अपने लेक्चर में डिस्कस किया था कि वीक एसिड्स और वीक बेस कौन से होंगे, ठीक है। आप लोगों ने देखा था कि वीक एसिड या बेस के लिए ऐसे चीजों, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट या ऐसे एसिड्स को वीक बोलेंगे जो कि
कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते, मतलब उनका डिसोशिएशन कांस्टेंट वन नहीं होता। आपको वर्ड यूज किया गया था डिसोशिएशन कांस्टेंट, ये के ए वर्ड जो लिखा था हमने, एसिड का डिसोशिएशन कांस्टेंट, मतलब डिसोशिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पे एक टर्म यूज किया था जिसको कि डिग्री ऑफ डिसोशिएशन अल्फा से डिटरमाइन किया गया था, ठीक है ना। और जब आपको के ए पता चल जाता है किसी के लिए, किसी भी एक एसिड के लिए, तो उसके लिए एच पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन कैलकुलेट होती है वो होती है किस फॉर्मूले से, एच पॉजिटिव इज इक्वल टू अंडर रूट के ए एच ए। ये फॉर्मूला हमने वहाँ पे यूज किया था। ये फॉर्मूला भी आपको बिल्कुल टिप्स में ध्यान होना चाहिए बच्चों, अगर आप न्यूमेरिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, ठीक है। एच पॉजिटिव इज इक्वल टू अंडर रूट के ए एच ए, जहाँ पे के ए एसिड का डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट और एच ए उस एसिड की कंसेंट्रेशन है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मेरे पास एच पॉजिटिव, मतलब अगर मेरे पास वीक एसिड ना हो के वीक बेस है, तो वीक बेस के लिए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन जो होगी वो KB और BOH, ये इसकी इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास वीक बेस है तो बेस के लिए OH नेगेटिव निकाला जा सकता है, H पॉजिटिव तो एसिड्स के लिए निकलता है, तो OH नेगेटिव की जो कंसेंट्रेशन होगी अंडर रूट KB, यहाँ पे KA आया था, अब यहाँ पे KB मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस आ गया, और ये बेस की कंसंट्रेशन, इससे जो है आप फाइनली इसमें इसका इसमें H पॉजिटिव या फिर OH नेगेटिव निकाल देते हैं। और एक बार अगर आपको H पॉजिटिव पता चल गया तो उस H पॉजिटिव की वैल्यू अगेन इस वाले फॉर्मूले में पुट करके, इस वाले फॉर्मूले में पुट करके आप लोग उस सोल्यूशन की pH निकाल सकते हैं, या फिर OH नेगेटिव पता चल गया तो उसको जो है आपने इस फॉर्मूले में पुट करके आप उसकी जो है पीएच निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। ये आपने दूसरी बात समझी थी। तीसरा था साल्ट की हाइड्रोलिसिस। आपको बताया गया था कि सॉल्ट जो होते हैं, सॉल्ट को जब वाटर में डाला जाता है तो वाटर में डालने के बाद वो एसिड और बेस में डिसोशिएट हो जाते हैं, ठीक है। सॉल्ट को जब वाटर में डाला जाता है तो वो एसिड और बेस में डिसोसिएट हो जाते हैं, इसको सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस कहते हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के प्रेजेंस में सॉल्ट का टूट जाना, इसको कहते हैं सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस के बाद हम लोगों ने चार केसेस पाए थे, है कि नहीं, चार केसेस हम लोगों ने वहां पे देखे थे बच्चों। चार केसेस में पता चला था हमें कि अगर एसिड और बेस की कंसेंट्रेशन या स्ट्रेंथ बराबर है, मतलब दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसे केस में जो ये सोल्यूशन होगा, जो मतलब सोल्यूशन आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट जो होगा वो कैसा, किस नेचर का होगा, न्यूट्रल होगा। इसी तरीके से अगर ये दोनों स्ट्रॉन्ग है तब भी, और अगर वीक एसिड वीक बेस अगर दोनों ही वीक और बराबर स्ट्रेंथ के हैं तब भी सोल्यूशन जो होगा बच्चों वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, है ना, तब भी न्यूट्रल होगा। तो ये दो केसेस में तो सोल्यूशन जो है न्यूट्रल होगा, मगर दो केसेस और हो सकते हैं। एक केसेस ऐसा जबकि ये एसिड तो स्ट्रॉन्ग है, वीक है, मगर बेस जो है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, तो इस केस में सोल्यूशन जो हो जाएगा वो बेसिक होगा, बेसिक, क्योंकि यहाँ पे बेस जो है स्ट्रॉन्ग वाला है। और सिमिलरली अगर इसका एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस जो है वीक है तो सॉल्यूशन का जो नेचर होगा वो कैसा हो जाएगा बच्चों, एसिडिक हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट के बाद चार तरीके के सॉल्यूशंस बनेंगे, जिनकी जिनमें से पहले दो की पीएच जो होगी वो पीएच हो जाएगी, दोनों की क्या हो जाएगी, पीएच, क्योंकि ये न्यूट्रल है इसकी पीएच 7 हो जाएगी। तीसरे वाले की पीएच बेसिक है, मतलब मोर देन 7 हो जाएगी, पीएच जो हो जाएगी मोर देन 7 हो जाएगी। और चौथे वाले सॉल्यूशन में जो पीएच हो जाएगी वो लेस देन 7 हो जाएगी। तो ये चार कैटेगरीज हमारे पास साल्ट की हाइड्रोलिसिस की आई थी, और कैलकुलेट करने के लिए जब हमें आया था कि अगर ये पीएच हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए भी हमने एक फॉर्मूला डेवलप किया था, ठीक है। सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस के लिए जो हमने फॉर्मूला डेवलप किया था वो लिखा था हमने pH इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ pKw
प्लस पी के ए प्लस लॉग सी। ठीक है, ये फॉर्मूला बच्चों हमने फाइनली इसके लिए क्या है, एक डिटरमाइन किया था, इसमें पी एच इज टू हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए प्लस लॉग सी। ये फॉर्मूला है ऐसे सॉल्यूशन के लिए जबकि वीक एसिड है, थर्ड वाला केस जो है ये कैटेगरी थर्ड के लिए, ये केस नंबर थ्री के लिए ये फॉर्मूला हमारा दिया गया था। ठीक है, थर्ड नंबर के लिए कि जब इसकी पीएच सॉल्यूशन की सात से ज्यादा होगी तो वो कैलकुलेट कैसे की जाएगी, वो ऐसे की जाएगी। और फोर्थ नंबर का जो केस था उसके केस में जब हमारे पास सॉल्यूशन में वीक बेस था तो ये सॉल्यूशन की जो पीएच निकाली जाएगी पी के डब्ल्यू माइनस पी के बी माइनस लॉग सी, ये वाला फॉर्मूला आया था और हमने सॉल्यूशन की पीएच ऐसे कैलकुलेट की थी बच्चों। ये हमारे पास थर्ड केस था जिसे हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट के अंदर देखा था। अब आपको फोर्थ केस बताया गया था बफर का सॉल्यूशन। बफर के सॉल्यूशंस में आप लोगों ने समझा था कि बफर वो सॉल्यूशंस होते हैं जो कि पीएच में होने वाले चेंज को रजिस्ट करते हैं। आपको बताया गया था एसिडिक बफर और बेसिक बफर कौन कौन से होते हैं, और साथ साथ आपको बताया गया था कि किसी बफर की पीएच कैसे कैलकुलेट की जाती है, और उसके लिए आपको जो इक्वेशन लिखवाई गई थी बच्चों उसका नाम था हेंडरसन हेसल बैक इक्वेशन, हेसलबैक इक्वेशन जो है इसका नाम था। और ये रिलेशन जो थी पीएच इक्वल्स टू पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन, ये तो थी हमारी पहली इक्वेशन जिसमें कि हमारे पास एसिडिक बफर है। एसिडिक बफर है तो ये पी के ए वैल्यू उसकी निकली थी क्योंकि वहां पे वीक एसिड यूज हुआ था, इसलिए ये रिलेशन जो है हमारा कब यूज हुआ था, एसिडिक बफर के लिए। और बेसिक बफर के लिए जो ये रिलेशन था वो था हमारा पीएच इक्वल्स टू पी के बी प्लस प्लस या तो माइनस लिख करके लॉग सॉल्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन बेस की कंसेंट्रेशन लिख दें, या फिर प्लस लिख करके बेस ऊपर और सॉल्ट नीचे लिख दें, दोनों एक ही बात है। तो ये दूसरी अगली इक्वेशन हमारी निकल गई। तो ये चार रिलेशंस जब हमारे को पता है तो हम आयनिक इक्विलिब्रियम में किसी भी सॉल्यूशन का तकरीबन तकरीबन किसी भी सॉल्यूशन की पीएच हम लोग यहाँ पे निकाल पा रहे हैं। ठीक है, अब आपको इसके आगे का थोड़ा सा कंटिन्यू कराने के लिए बता रहे हैं बच्चों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस है उसमें मैं बफर सॉल्यूशंस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए उनकी सॉल्यूशंस की पीएच को कैसे अलग अलग पीएच के सॉल्यूशंस को बनाया जा सकता है ये भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये बफर की इक्वेशन मैंने लिखी हुई है। अब मान लेते हैं आपको क्वेश्चन आ गया, आपको ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा, इनके बेसिस में बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए ये सारे के सारे फॉर्मूले टिप्स में होने चाहिए। कम से कम 10-10, 15-15 न्यूमेरिकल आपको इसको करने हैं तब जाके आपको इसकी एक्सपर्टीज आ पाएगी, अदरवाइज इसकी एक्सपर्टीज आपको आ नहीं पाएगी। ये हेंडरसन हेचलबैक इक्वेशन बिल्कुल टिप्स में याद रखनी, जैसे ही किसी बफर सोल्यूशन का नाम आएगा इस इक्वेशन का नाम आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए। आगे मैं आपको पूछ रहा हूँ, देखिए इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरीके के बेस्ड है, कि ये पूछेंगे कि हाउ विल यू प्रिपेयर अ एन एसीटेट बफर ऑफ पीएच 5.8। ठीक, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर एन एसिटेट बफर ऑफ पीएच 5.8। तो आपके पास क्योंकि ये एक एसिटेट बफर बनाने के लिए बोल रहे हैं, इसका मतलब ये एक एसिडिक बफर की बात कर रहे हैं, तो अगर ये एसिडिक बफर की बात कर रहे हैं तो आपको एसिडिक वाला फॉर्मूला ही यूज करना है, एसिड वाला फॉर्मूला ही यूज करना है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला तो एज इट इज पहला वाला आपने उतार दिया। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए आपको पीएच कितनी बनानी है, 5.8 पीएच का सॉल्यूशन बनाना है, और आपको पीके ए वैल्यू अगर नोन हो
तो बाकी ये वाली वैल्यू निकालनी बच जाएगी आपकी। तो आपको पी के ए वैल्यू लास्ट टाइम निकालनी बताई थी एसीटेट बफर के लिए, हमने कहा था के ए वैल्यू थी यहाँ पे 1.8 × 10⁻¹⁵। ये के ए वैल्यू थी, पी के ए वैल्यू निकालने के लिए माइनस लॉग के ए वैल्यू आपने ये फॉर्मूला लगाया था। के ए की वैल्यू यहाँ से लगा करके जब हमने इसको सॉल्व किया था बच्चों, तो पी के ए वैल्यू आई थी 4.8। ये हमारा लास्ट टाइम का कैलकुलेशन थी। ये आप लोग चाहे तो जो प्रीवियस इसका जो फिफ्थ नंबर का जो हमारा लेक्चर है सीरीज का, आप उसको जरूर देख लें, उसमें ये कैसे कैलकुलेट किया गया है ये आपको बताया गया है। ठीक है, तो 4.8 अगर हमारे को पी के ए नोन है, क्योंकि हमें पता है एसीटेट बफर है, एसीटेट बफर के लिए के ए वैल्यू नोन होगी, और के ए वैल्यू नोन है तो पी के ए वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। पी के ए वैल्यू आपकी 4.8 जब आ जाएगी, तो अब आपका ये फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इस फॉर्मूले को अब आप समझ ही रहे कि इस चीज को थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज कैलकुलेट कर पाएंगे आप। तो यहां से देखिए, लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन की वैल्यू आ जाएगी ये 5.8 माइनस, इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो 4.8 वैल्यू आ जाएगी। इसको अगर हम यहाँ से हटा दें तो ये वैल्यू आ रही है कितनी बच्चों, 1। ठीक है, इनको कैलकुलेट करके ये रिलेशन जो बन जाएगा इसमें बन जाएगा 1। ठीक, अब देखिए इस फॉर्मूले इसको आगे कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये लॉग में है और ये नॉन लॉग में है, ये नॉन लॉग में है मतलब ये लॉग में नहीं है। अब आप अपना आप ये समझिए कि 1 लॉग में कितने की वैल्यू 1 होती है। देखिए लॉग 1 की वैल्यू, लॉग 1 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है, 0, ये तो हमें पता है। और लॉग 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1, ये भी हमें पता है। तो लॉग, तो 1 को हम अगर लॉग के टर्म्स में लिखना चाहेंगे तो हम लॉग 10 बेस 10 भी लिख सकते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं हम, लॉग 10 बेस 10, लॉग 10 बेस 10 हम जो है इस लॉग को लिख सकते हैं। जहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ रहता बच्चों, वहां पे लॉग बेस 10 लिखा हुआ रहता है, ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। अब इस बात को देख करके आप लोगों को समझ जाना है कि हम दोनों तरफ टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, कि हम दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, एंटी लॉग ले सकते हैं। जब हम दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो लॉग से लॉग कट जाएगा बोले, या फिर एंटी लॉग से लॉग कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी सॉल्ट अपॉन एसिड इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, आपने ये मान लीजिए कि लॉग से लॉग कैंसिल हो गया तो सॉल्ट अपॉन एसिड इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, सॉल्ट इज इक्वल्स टू 10 इंटू एसिड। देखिए हमारा रिलेशन जो है इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। हमारी जो फाइनल इक्वेशन आई है वो आई है कंसंट्रेशन ऑफ लॉग इज इक्वल्स टू 10 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, जिसका ये मतलब है कि इस सॉल्यूशन में ये जो 5.8 पीएच का सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्ट की जो अमाउंट है वो एसिड के अमाउंट की 10 गुना ज्यादा है। समझ रहे, इस रिलेशन का मतलब जो है कि एसिड जो है जब 10 टाइम किया जाएगा तब जाके वो सॉल्ट के बराबर होगा। ठीक है ना, तो मैं आपको इसको कैसे करेक्टली प्रोनाउंस करना है इसको भी समझ लीजिए, गलती नहीं होनी चाहिए, कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो एसिड की कंसंट्रेशन के 10 गुना ज्यादा है इसमें। ठीक है, इसका मतलब देखिए, इसका मतलब अगर मुझे ये वाला सॉल्यूशन बनाना है, जो ये सॉल्यूशन इन्होंने बनाने के लिए हमें बोला, तो इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, सॉल्ट एंड एसिड्स विल बी एडेड। ये तो बात क्लियर है कि सॉल्ट को और एसिड को जोड़ना है। कौन सा सॉल्ट है हमारे पास, सॉल्ट क्या है हमारे पास,
सोडियम एसीटेट, और इसके साथ एसिड कौन सा है हमारे पास, एसिटिक एसिड। इन दोनों को आपस में क्या करना है, जोड़ना है, मगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन एसिड की कंसंट्रेशन से 10 टाइम ज्यादा होगी, मतलब 10 ml ऑफ 0.1 मोलर सोडियम एसिटेट अगर मैं ले रहा हूं तो मुझे 1 ml 0.1 मोलर एसिटिक एसिड लेना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं कि अगर हमने 10 ml सोडियम एसिटेट का लिया तो उसी स्ट्रेंथ का एसिटिक एसिड 1 ml लेना पड़ेगा, तभी वो 10 टाइम ज्यादा होगा। या फिर दूसरे टर्म्स में मैं बोलूं तो मैं ये भी कह सकता हूं इसी चीज को, देखिए, या तो मैं ऐसे कह सकता हूं इसको, ये भी करेक्ट है, और दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि 1 ml ऑफ 1 मोलर एसिटिक सोडियम एसिटेट लेकर के उसके साथ 1 ml ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड डाल दे, ठीक है। ये भी इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि 1 ml ही लिया दोनों का, मगर इसका 1 मोलर लिया और इसका 0.1 मोलर लिया, कहने का मतलब ये इसकी स्ट्रेंथ जो है 10 गुना ज्यादा है इस वाले की स्ट्रेंथ से। तो जब ये 10 गुना ज्यादा होगा और ये उससे 10 गुना कम होगा, तब इन दोनों को अगर मिला दें तो हमारा जो एसीटेट बफर बनेगा उसकी पीएच बच्चों क्या बनेगी, 5.8 बनेगी। ये एक डेमो एग्जांपल था, आप इस एग्जांपल को किसी बेसिक बफर सॉल्यूशंस के केस में भी देख सकते हैं, उसको वहां पे भी अप्लाई किया जा सकता है बच्चों। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि इन फॉर्मूलों की हेल्प से, इन फॉर्मूलाज की हेल्प से आप किस तरीके से अलग अलग पीएच के सॉल्यूशंस बना सकते हैं, या फिर आपको अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच कैलकुलेट करनी है तो भी आप कर सकते हैं। ये दोनों तरफ ही चलेंगे, दोनों तरीके से सॉल्यूशंस की हेल्प आपको, मतलब इन सब चीज़ों की हेल्प करने में यूज होंगे, ठीक है। तो ये बफर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि यहाँ पे जाकर के कंप्लीट होता है बच्चों। और ये बफर क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका मैंने आपको सबसे पहले एक्सप्लेनेशन दे दिया था कि बफर एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी जरूरत हर सॉल्यूशन की पीएच को मेंटेन करने के लिए होगी। देखिए, हमारे जो बॉडी में ब्लड है वो भी अपने आप में एक सॉल्यूशन है जिसकी एक पीएच है, इस पीएच को भी मेंटेन करने की जरूरत है। अगर हमारा ब्लड हल्का सा एसिडिक या हल्का सा बेसिक होने लग जाएगा तो हमारे शरीर में अलग अलग तरीके की विकृतियां आ जाएंगी, ठीक है ना। तो हमारे उस ब्लड को भी जो है, उस ब्लड के पीएच को भी मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है, जिसको मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर भी एक बफर सोल्यूशन होता है, ठीक है ना। तो ये बफर इतना इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। या फिर अगर आप दूध की बात करें, जो हमारे पास दूध होता है, वो दूध कि पीएच को मेंटेन करने के लिए दूध के अंदर भी एक बफर होता है जिसे लैक्टेट बफर कहेंगे, और अगर वो लैक्टेट बफर वहाँ पे खराब हो जाए तो दूध जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दूध अपने आप में फट जाएगा, जिसे हम कहेंगे कि वो दही बन गया या वो कुछ चीज और बन गया। तो वो जो दूध का फटना है वो उस लैक्टिक एसिड का खराब होना है। आपने देखा है कि जो मतलब जो एंजाइम्स, जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड को खा जाते हैं। तो जब वो लैक्टिक एसिड को खा जाते हैं तो उसको कहते हैं कि कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, है ना। तो ये जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये आप लोगों को समझना है, सो दैट कि कल के दिन आप इसको कहीं ना कहीं अप्लाई भी कर सकें। इतनी बात बताने के बाद दो एक टॉपिक बच्चों इसमें बहुत जल्दी में और रिवाइज बताए जा रहे हैं आपको, जो कि आपको इस टॉपिक के अंदर पढ़ने हैं। एक टॉपिक जो इसके अंदर आता है वो टॉपिक है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। आप लोगों को इसमें पहले बताया गया है कि सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं, किसी चीज को डिसॉल्व करने को सॉल्यूशन बनाना कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। कोई चीज कितना ज्यादा डिसॉल्व हो रही है उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा है, ठीक है ना। तो आपको सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब है, जैसे मैंने 1 ग्राम लेकर के 100 ml में डाला तो वो नहीं घुल रही है, तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी कम है। और किसी चीज की 10 ml लेकर के 10 ग्राम लेकर के 100 ml में डाला वो घुल जा रही है, तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी अच्छी है। तो सॉल्युबिलिटी एक क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है,
ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू है ये। न्यूमेरिकल वैल्यू जो है अलग अलग फैक्टर्स में डिपेंड करती है, मगर सॉल्युबिलिटी का जो वैसा मतलब है, जो दूसरा मतलब है वो ये है कि जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को लेते हैं और इलेक्ट्रोलाइट को लेकर के उसको पानी में डालते हैं तो वो पानी में अपने को आयंस में डिसोशिएट कर लेता है। जब वो अपने को आयंस में डिसोशिएट कर लेता है तो वो डिजॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है, तो ये उसकी सॉल्युबिलिटी हो जाती है। ठीक है ना, ये उसकी सॉल्युबिलिटी हो जाती है बच्चों। मगर कुछ ऐसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होते हैं जो कि बहुत कम मात्रा में पानी में क्या करते हैं, घुलते हैं। ऐसे ही एक किसी केस को देखते हुए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को समझने की इस बार इस लेक्चर में कोशिश करेंगे आप लोग, कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने इसका नाम सुना होगा, इसको सिल्वर क्लोराइड कहते हैं, AgCl इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये वाइट कलर के क्रिस्टल्स हैं बच्चों, वाइट कलर के सफ़ेद रंग के क्रिस्टल हैं, मगर ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते। ठीक है ना, वाटर में चूंकि ये डिसॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है ना, तो हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, ये समझिए कि AgCl, ठीक है, यहां पे जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि ये सॉलिड AgCl मेरे पास है, मैंने इसे पानी में डाला तो अब ये एक्वस AgCl का सोल्यूशन हो गया। मगर AgCl अगर घुलेगा, यदि वो घुलता है तो वह आयंस में टूटेगा। ठीक है बच्चों, अगर वह घुलता है तो वह क्या करेगा, आयन में टूटेगा। तो अगर वो आयन में टूटेगा तो वो इस तरह से बताया जाएगा, ये एक सोल्यूशन हो गया, ये इसकी एक जनरल इक्वेशन बताई गई। ठीक है बच्चों, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि AgCl क्या है, अघुलनशील टाइप का है, मतलब ये तकरीबन ना के बराबर घुलता है। तो यदि यह घुलता नहीं है तो ये टूटेगा भी नहीं, अगर ये टूटता तभी तो घुलता, अगर ये घुलनशील नहीं है तो इसका मतलब ये टूटेगा नहीं। तो मैं ऐसे करके भी इस बात को समझा सकता हूँ कि ये रिएक्शन जो है आगे की तरफ कम और पीछे की तरफ ज़्यादा जाती होगी, इसका मतलब ये रिलेशन ऐसे बनता होगा। ठीक है बच्चों, बहरहाल ये एक ऐसा केस है कि हमने AgCl को पानी में डाल के कुछ देर घोलने के बाद एक कंडीशन अचीव की जिसको हम साम्यावस्था की कंडीशन कहते हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहते हैं। तो हमारा ये जो पर्टिकुलर टाइम है इसको हम कह रहे हैं कि ये एक इक्विलिब्रियम का केस है। अब आप लोगों को पता है कि इक्विलिब्रियम अगर किसी सोल्यूशन होता है, किसी स्टेज में होता है, तो वो लॉ ऑफ मास एक्शन को क्या करता है, उसमें अप्लाई होता है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो अगर मैं इसके केस में लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करने की बच्चों कोशिश करूं तो मैं क्या बोलूंगा कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन यहां पे K विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A पॉजिटिव यस। यहां पे हम लोग अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन ये डब्बा जो मैंने बनाया है इसको लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से देखा जाए तो इस इक्विलिब्रियम के केस में एक ऐसा रिलेशन एस्टेब्लिश होगा जहां पे के विल बी इक्वल टू, मतलब जो एक कांस्टेंट जो होगा इसका डिसॉल्व होने का जो कांस्टेंट होगा, वो डिसॉल्व होने का कांस्टेंट जो होगा प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन डिवाइड बाई द प्रोडक्ट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं और ये बैकवर्ड रिएक्शन का ये है, तो इसको इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन से। ओके, ये तो हो गया पहला केस। अब आप लोगों को, हम लोगों को पता है बच्चों कि ये जो AgCl है इसे पानी में डाला मगर ये घुला नहीं। इस AgCl को जब हमने पानी में डाला तो ये घुला नहीं, घुला नहीं मतलब ये टूटा नहीं। कहने का मतलब अगर हम ये कंपेयर करें कि कितना पोर्शन नहीं टूटा या फिर कितना पोर्शन टूटा, तो आप कहेंगे कि टूटने वाले के कंपैरिजन में ये तकरीबन पूरे का पूरा पोर्शन बचा हुआ है जो नहीं टूटा, क्योंकि बहुत कम टूटता है, बहुत कम घुलता है, इसलिए मैक्सिमम पोर्शन इसका जो होगा इस फॉर्म में होगा, इसलिए इस वैल्यू को 1 के ही इक्विवेलेंट मानेंगे। देखिए कैसा है ना,
मान लेते हैं शुरुआत में इसकी कंसंट्रेशन वन थी, इसकी कंसंट्रेशन कुछ नहीं थी, इसकी कंसंट्रेशन कुछ नहीं थी। थोड़ी देर बाद मान लेते हैं एक घंटे दो घंटे बाद इस वन में से बहुत हल्की सी कंसंट्रेशन इसकी टूट गई और इसकी कंसंट्रेशन इतनी बन जाएगी। तो चूंकि ये कंसंट्रेशन इससे बहुत कम मात्रा में टूटी है, क्योंकि वन में से जो टूटा है वो बहुत कम है, इसलिए इस अमाउंट को भी तो वन लिख सकते हैं, इसलिए वन माइनस एक्स की वैल्यू वन के बराबर हो सकती है। तो मैं AgCl की वैल्यू एक्स वन के बराबर रख सकता हूँ, तो मैं इसको जो है यहाँ से हटा करके Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि AgCl की वैल्यू तो वन हो गई। ठीक है, ये जो हमारे पास रिलेशन मिला है बच्चों, इस रिलेशन का नाम है, इस रिलेशन का नाम है KSP, solubility product coefficient is equals to concentration of Ag positive and concentration of Cl negative। ठीक है, तो यहां से हमने क्या देखा, KSP इक्वल टू इसके बराबर आ गया, इस रिलेशनशिप से हमने इतनी बात पता की। ठीक है बच्चों, अब ये जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है बच्चों, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म का मतलब इसकी एक वैल्यू होती है जो कि नोन होगी, ठीक है ना। हर केस में अगर हमने 100 ग्राम लिया तब भी, 500 ग्राम लिया तब भी, एक किलो लिया तब भी, तो ये वैल्यू KSP जो होगी हमेशा क्या होगी, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो ये वैल्यू हमें हमेशा नोन होगी, ये बात तो हमें पता है। ठीक है, मान लेते हैं इस वैल्यू का कोई मतलब है, जैसे इसको मान लेते हैं ये हमारी 1 × 10⁻⁵ है KSP की वैल्यू, मान लेते हैं। मैंने ये अभी आपको इसलिए मान लेते हैं कहते हैं कहा है क्योंकि ये मुझे भी याद नहीं है, ये जो वैल्यू रहेगी ये हमेशा गिवन रहेगी, ठीक है ना, इसलिए आपको इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हुए देखें, ये जो Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, ये दोनों AgCl के टूटने से मिले हैं, और AgCl, Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देखिए कैसे टूटने से मिले, इसके जब X मॉलिक्यूल टूटे हैं तो X मोल मॉलिक्यूल इसके बने और X मॉलिक्यूल इसके बने, इसी तरीके से Y मॉलिक्यूल टूटते तो Y इसके बनते, Y इसके बनते। कहने का मतलब ये Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन हमेशा बराबर होगी, ठीक है, जितनी भी होगी, चाहे ये वैल्यू x हो चाहे y हो चाहे z हो, ये वैल्यू हमेशा जो होगी एक बराबर होगी। इसका मतलब ये और ये एक बराबर है, इसका मतलब मैं Cl नेगेटिव की जगह Ag पॉजिटिव भी लिख सकता हूँ या फिर Ag पॉजिटिव की जगह Cl नेगेटिव भी लिख सकता हूँ। कहने का मतलब ये दोनों को KSP is equals to Ag positive into Ag positive भी लिख सकता हूँ, इसका मतलब Ag square भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको Cl negative का square भी लिख सकता हूँ बच्चों। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से केवल Ag positive निकालना चाहूँ, देखिए अगर मैं यहाँ से केवल Ag positive निकालना चाहूँ या फिर Cl negative निकालना चाहूँ केवल, तो मैं इसको under root KSP भी निकाल सकता हूं, ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। ठीक है, इसका मतलब है ये जो रिलेशन है हमारा, ये रिलेशन है सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag पॉजिटिव या फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ Cl नेगेटिव विल बी इक्वल टू अंडर रूट KSP। ठीक है, इसका मतलब ये जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है किसी सॉल्ट की या इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर मैं आपको कभी पूछूं कि इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, तो आप मुझे क्या पूछेंगे कि सर मुझे बताएं कि इसका KSP कितना है। अगर मैं आपको वो कांस्टेंट बताता हूं तो आप मुझे तुरंत बोल देंगे कि इसकी सॉल्युबिलिटी अंडर रूट KSP है, जो कि कैलकुलेट की जा सकती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के नाम से बच्चों ये जाना जाता है। बहुत जल्दी में एक छोटा सा कंसेप्ट इसके आगे और सीख लेते हैं, जो कि हमारे इक्विलिब्रियम का तकरीबन आखिरी कंसेप्ट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और ये है आयनिक प्रोडक्ट। जो नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे को समझना है वो है आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट। ठीक है,
आयनिक प्रोडक्ट क्या है बच्चों, जैसे अभी आपने सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ा, उसी लीक पे मैं आपको आगे बात डिस्कस करते हुए समझा रहा हूँ कि जैसे ही हमने AgCl को सॉल्यूशन में डाला, मान लेते हैं मेरे पास 100 ग्राम AgCl था, मैंने पहले 1 ग्राम AgCl को डाला, 1 ग्राम AgCl को इस 100 ml में डाला, तो डालते ही AgCl Ag पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा, टूट जाएगा। पर थोड़ी देर बाद 1 ग्राम मैंने और डाला होगा, जब मैं दोबारा AgCl डालूंगा तो वो फिर बन करके Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, तीसरी बार डालूंगा फिर वो टूट जाएगा। तो कहने का मतलब है कि धीरे धीरे Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, मतलब सॉल्यूशन में Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। अगर ये कंसंट्रेशन Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन है, देखिए डब्बे में नहीं बनाया इस बार, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया हुआ है, Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन इतनी बढ़ जाए कि वह उसके Ksp से अधिक हो जाए, अगर इसकी कंसंट्रेशन इतनी बढ़ जाए कि वो उसके Ksp से बड़ी हो जाए, Ksp क्या है, अभी हमने फॉर्मूले से निकाला था, Ksp इज इक्वल्स टू क्या है, Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये वैल्यू है Ksp। अगर ये Ksp से ज्यादा हो जाए Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की वैल्यू, तो ये जो सॉल्यूट डाला गया है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट डाला गया है, ये घुलना बंद हो जाएगा, इसकी सॉल्युबिलिटी बंद हो जाएगी और ये प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद जो ये है नीचे बैठना शुरू कर देगा, इस पॉइंट को कहते हैं उसका आयनिक प्रोडक्ट। इसको अगर अगर हम डिस्कस करना चाहें तो ये दो आयंस की कंसंट्रेशन का क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीपल है, तो ये इसको कह सकते हैं मल्टीपल ऑफ टू आयंस कंसंट्रेशन, ठीक है ना, ये इसका आयनिक प्रोडक्ट हो गया, और प्रोडक्ट हो गया। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है या इसका यूज क्या है कि अगर इस प्रोडक्ट की वैल्यू उस सॉल्ट के Ksp से ज्यादा हो जाएगी तो सॉल्यूशन ये डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, सेडिमेंट होना, प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा, या फिर अब जब तक Ksp से कम इसकी वैल्यू रहेगी, या दूसरे शब्दों में कहें कि जब तक Ksp इससे ज्यादा रहेगा तब तक कोई चीज घुलेगी और उसके बाद वो घुलना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, उसके बाद उसकी सॉल्युबिलिटी जो हो जाएगी रुक जाएगी। इस तरीके से आयनिक प्रोडक्ट एक ऐसा टर्म है जो कि प्रोडक्ट ऑफ टू आयंस है, और जो कि ये बताता है कि कब तक सॉल्यूशन में आयंस की फॉर्म में, मतलब उसके सॉल्यूट जो होंगे स्टे कर सकेंगे। तो इस तरीके से आपने आयनिक प्रोडक्ट और अपना जो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इन दोनों चीज़ों को समझा, और आपने समझा कि आयनिक प्रोडक्ट अगर हमारे पास नोन है तो उससे हम किस तरीके से सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं, अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपके पास है तो कैसे उससे सॉल्युबिलिटी अंडर रूट Ksp से हम निकाल सकते हैं। इन चीज़ों को बच्चों अपने ध्यान में बिल्कुल अपने रखना है, और ये सारे कंसेप्ट जो है आपको बिल्कुल लगातार रिवाइज करते रहने की ज़रूरत है विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ आपको उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है, ताकि ये सारे के सारे कंसेप्ट जो है दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएं, जैसे कि हमारे बैठे में, वैसे आपके भी तभी बैठ पाएंगे जब आप एक्सरसाइज में करेंगे। थैंक यू सो मच।